बहुत ही ज्यादा खास है उन लोगों के लिए जो लोग डार्क सर्कल के प्रॉब्लम में सफर कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग डार्क सर्कल के प्रॉब्लम में सफर कर रहे हैं, जो लोग ठीक से सोते नहीं है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, और ये सारे चीजों के वजह से और हेल्थ इश्यूज की वजह से भी आपको होते हैं, और अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं लेने के वजह से भी आपको डार्क सर्कल हो सकते हैं। तो इसका कुछ होम रेमेडीज है, जिनमें से मैं सबसे इफेक्टिव जो होम रेमेडी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसके लिए आपको ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, इसको आप यूज कर सकते हो। तो बहुत ही वेल नोन है, बट ये मैं अपनी तरह से यूज करती हूँ। मैं स्टेप्स दिखाऊंगी, मैं डेमो दिखाऊंगी और इंग्रेडिएंट्स का नाम भी बताऊंगी कि कैसे आपको क्या यूज करना है। उससे पहले बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर देना, और साथ में बेल बटन को भी हिट कर देना, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, स्क्रीन के नीचे आपको मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का आईडी। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ओनली टू इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको, एक तो है पोटैटो यानी कि आलू, और दूसरा है वाइल्ड टर्मरिक। आप कोई भी टर्मरिक यूज कर सकते हो, बट खाने वाला टर्मरिक मत यूज कर लेना। तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है। यहाँ पे आपको पहले एक आलू लेना है, जैसे कि मैंने ले लिया है, और उसके बाद इसका जूस निकाल लेना है। आप कोई भी क्रशर में इसको क्रश करके उसका जूस निकाल सकते हो। छोटा सा आलू लेना, वरना वेस्ट हो जाएगा। आपको तो पता ही है कि अंडर आई में अगर आप कुछ अप्लाई करते हो तो क्या कम क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जूस निकाल लिया है, और उसके बाद आपको करना है इसमें ऐड वाइल्ड टर्मरिक या कोई भी टर्मरिक जो आप फेस पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। दोनों प्रोडक्ट्स को एक साथ मिक्स करना है, और उसके बाद इवनली अपने अंडर आई में इसको अप्लाई करना है। ऊपर के हिस्से में अगर आपको डार्क सर्किल है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो, बट आपको नीचे तो करना ही है। मैं अच्छे से मेरे अंडर आई को कवर अप कर देती हूँ, तो आप देखते रहो कि मैं इसको कैसे कवर अप करती हूँ। एक छोटा सा ब्रश ले लेना तो आपको मदद मिल जाएगी। इसको करने के बाद 8 to 10 मिनट्स तक छोड़ देना है। इसमें है वाइल्ड टर्मरिक, तो ये जल्दी से ड्राई भी हो जाएगा। ये ड्राई होने के बाद आपको लेना है एक बोल में पानी। आप वार्म वाटर ले सकते हो या नॉर्मल वाटर भी आप ले सकते हो। आपको लेना है एक कॉटन पैड, और अच्छी तरह से अपने आई के नीचे से जो की डार्क सर्किल की जो जगह है वहां से ये पेस्ट को कॉटन पैड की मदद से आपको रिमूव कर लेना है। जेंटली करना है, रब करना नहीं है, जस्ट टैप टैप करके ये कॉटन पैड की मदद से आपके जो पेस्ट है ड्राई हो चुका है उसको रिमूव करना है। तो ऐसे आपको वीकली एटलीस्ट 3 डेज करना है, आपको 2 मंथ्स में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे मैं कभी नहीं बताऊंगी कि आपको एक ही दिन में या एक ही रात में ओवरनाइट आपको रिजल्ट मिलेगा। ओवरनाइट कोई भी चीजों का रिजल्ट नहीं मिलता है, जो मिलता है तो उसमें स्टेरॉइड होते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ इफेक्ट चाहिए, अगर आपको परमानेंटली कुछ रिमूव करना है, तो डेफिनेटली आपको वो वाली चीज रिपीट करना है बहुत दिनों तक। तो यही था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी हिट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वेरी गुड बाय, टेक केयर।